सुंदरवन नाम का एक बहुत ही प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत से पेड़ थे और कई प्रकार के पक्षी भी थे। उसी जंगल में एक आम का पेड़ था और उस आम के पास एक मोटा और घना नीम का पेड़ भी था। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ के साथ बिल्कुल बात नहीं करता था। उसे अपने ऊंचे होने पर बहुत ही घमंड था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई। उसने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, नीम बाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम के पेड़ ने अकड़ते हुए कहा, जा जा, कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी बिन बिन जरा भी अच्छी नहीं लगती। रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ाकर बोली, नीम बाई मान जाओ, तुम ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा, परंतु नीम के पेड़ पर उसकी प्रार्थना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नीम का पेड़ बड़ा ही घमंडी था। उसके बाद बेचारी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास पहुंची और उससे कहने लगी, आम बाई, क्या मैं तुम्हारी शाख पर छत्ता बना लूं? आम के पेड़ ने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद रानी मधुमक्खी के लिए मजदूर मधुमक्खियों ने फटाफट छत्ता बना दिया। मधुमक्खियों ने दूर दूर से रस लाकर छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहां बिन बिन होती रहती। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। उसने नीम के पेड़ से कहा, भाई, तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। उसने आम के पेड़ से गुस्से में कहा, अपनी सीख तू अपने पास रख। एक दिन दोपहर के समय दो आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां आए। नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं और इसका तना भी काफी मोटा है और मजबूत भी है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ की भी कुछ डालें काट कर ले जाएंगे। पहले आदमी ने छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ना बाबा ना, आम की डालों को तो हाथ भी मत लगाना, वहां छत्ता है, काट खाएंगी मधुमक्खियां। नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर थर थर कांपने लगा। रोते हुए बोला, आम बाई, मुझे बचा लो, रानी मधुमक्खी से कहो कि एक छत्ता मेरी डाल पर भी बना ले। ये सुनकर रानी मधुमक्खी बुनबुनाकर बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता, जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी। नीम का पेड़ फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के सिवाय वह और कर भी क्या सकता था। दूसरे दिन सुबह सुबह वह आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचे। ये सब देखकर नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई। जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी का बार करना चाहा, वह चीख उठा। सारी मधुमक्खियां उस आदमी पर टूट पड़ी। दोनों आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। रानी मधुमक्खी बोली, गमंडी नीम, आम दादा का धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। सदा याद रखो, एक दूसरे की सहायता करने से ही जीवन में सुख रहता है। हमें अपने जीवन में एक दूसरे की सहायता करते रहना चाहिए।